नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, कहां और कब कितने बरसेंगे बादल, जाने मौसम का क्या है पूरा हाल। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई मानसून की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। यूपी के अलग अलग इलाकों में अब भी मानसून की बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दो दिनों तक मानसून की बारिश होगी। हालांकि इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि बीते दिनों बारिश हुई और मौसम खुशनाम हो गया, मगर वज्रपात की वजह से यूपी के अलग अलग इलाकों में कई लोगों की जान चली गई। इसी बीच आपको बता दें कि IMD यानी मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में बताया है कि लेकिन अब कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आज आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश होगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें दो तीन दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होगी। इतना ही नहीं, इस दौरान आंधी तूफान आने की भी भविष्यवाणी की गई है। यूपी के इटावा से लेकर गाजीपुर और गोरखपुर में हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो यूपी की राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद में भी आज भारी बारिश की संभावना है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, बहराइच, संत कबीरनगर, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और आगरा समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे और मानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसी बीच आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही मानसून को लेकर, कि बता दें कि यूपी में ज्यादातर इलाकों में आपको बता दें झमाझम बारिश हुई थी। यूपी के लोगों का इंतजार खत्म करते हुए रामनगरी, अयोध्या से लेकर कानपुर, बिजनौर, गाजियाबाद और नोएडा तक झमाझम बारिश हुई थी। हालांकि इस दौरान वज्रपात में करीब आधा दर्जन से ज्यादा अधिक लोगों की यूपी में मौत हो गई थी। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि देशभर में एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हर राज्य में बूंदाबांदी और बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र IMD ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। IMD ने बताया है कि उत्तर प्रदेश समेत राजधानी दिल्ली, बिहार, झारखंड में भी झमाझम बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में IMD ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें मौसम विभाग के जारी बुलेटिन में बताया गया है कि आज से दो तीन दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज के मौसम की अगर बात करें तो क्लाइमेट वेदर के रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक या दो जगह पर भारी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, आपको बता दें बिहार, झारखंड, कर्नाटक और केरल में, आपको बता दें केरल समेत उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।